हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई जस्ट होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमेशा की तरह मैं गाड़ी के अंदर जा रही हूँ और मैं बोल नहीं रही हूँ, वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ, क्योंकि बाहर से गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और फिर मैं नहीं बोलती हूँ ज़्यादा इनके सामने। पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा शाय क्यों जाती हूँ मैं इनके सामने। वैसे मैं इतना पापा पापा बोलती रहती हूँ और इनके सामने इतना शाय हो जाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी शूट की तैयारी उस टाइम पर, अभी तो मेरा शूट वूट हो चुका है लेकिन ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट चला गया, मुझे टाइम नहीं मिला। और मैं शूट की तैयारी कर रही थी और मेरे को कपड़े कहाँ से लेने थे, मैंने कुछ ट्रेडिशनल भी लिया था और कुछ वेस्टर्न भी लिए थे। तो अभी मैं ट्रेडिशनल लेने के लिए जा रही हूँ दुल्हन साड़ी सेंटर। तो मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में आगे कि मैंने क्या लेना है और मैं क्या लेने जा रही हूँ। सारी चीज़ें आपको व्लॉग में आगे देखने को मिलेगा, तो व्लॉग में आगे तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये यहाँ मैं दुल्हन साड़ी सेंटर में आई हूँ और यहाँ पर आपको ब्राइडल लहंगे, साड़ी, मतलब बहुत ही डिजाइनर लहंगे साड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सर बताएंगे अपने शोरूम के बारे में ज्यादा अच्छे से, ओनर है। यहाँ पे आपको सारी रेडीमेड आइटम्स जैसे सूट हो गए, क्रॉप टॉप्स हो गए, गाउन्स हो गए, सब मिल जाएगा। वेडिंग के पर्पज़ से साड़ी, लहंगा चुन्नी, सूट्स, सारे ब्राइडल के आइटम है जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट आती रहती है डिज़ाइंस में, सब मिल जाएंगी। हर रेंज से स्टार्ट होकर 50,000 तक के लहंगे वगैरह, सारे डिज़ाइनर लहंगे मिल जाएंगे, हर ब्रांड के, विशाल हो गया, लक्ष्मीपति हो गया, सब चीज़ों की साड़ी मिल जाएंगी। विजिट करिए मैम, होलसेल प्राइस में सारे आइटम्स मिलेंगे आपको, होलसेल अवेलेबल है। हाँ जी मैम, तो मैं इनसे कोलेब्रेशन करती हूँ और यही नहीं, मैं कोलैब भी नहीं करती हूँ। मेरे को अपने अगर शादी फंक्शन में अगर कोई भी कपड़े वगैरह, साड़ी वगैरह लेनी होती है तो मैं यहीं से लेती हूँ। मेरी फैमिली पे भी सब यहीं आते हैं, इवन मेरी शादी का जितना भी साड़ी लेने देने के लिए गई थी वो यहीं से ही गई थी। तो क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, वेल एंड गुड है, एवन है। आप आइए यहाँ पर सागरपुर के बिल्कुल कॉर्नर, गांधी मार्केट में आप एंटर करोगे, कॉर्नर पर ही है दुल्हन साड़ी सेंटर का पूरा बड़ा सा शोरूम है। और इनका एक और शोरूम आए थे, है ना, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। ब्राइडल लहंगा बहुत से एक डिज़ाइनर आपको लहंगे साड़ी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका एड्रेस मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी और ड्रेस का रिव्यू बाद में। सो अभी मैं आ गई हूँ घर पे और मुझे शाम को वापस जाना है। बस मैं कुछ ही घंटों के लिए आती हूँ यहाँ पर, पापा मेरी टीवी देख रहे हैं और आते ही मुझे भूख लगी थी। मैं नाश्ता ब्रेकफास्ट तो करके आई थी लेकिन लंच का टाइम चल रहा था, लंच का टाइम भी थोड़ा सा आगे चला गया था, अभी चाय का ही टाइम चल रहा था, पर मैं अभी खाना खा रही हूँ, दाल चावल, माई फेवरेट। सो गाइस, मैं अभी आई हूँ बाहर की तरफ, यानी कि सीपोरी मार्केट में, जनकपुरी सीपोरी मार्केट। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगते हैं, खाने पीने का सब चीज़ मिलता है। तो जनकपुरी के बारे में लोग जानते ही होंगे, जनकपुरी सी फोरी जहाँ मार्केट लगती है, थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, मैं पहले आती थी और मैं यहीं रहती थी, अभी मेरा मायका ही है। गाड़ी लेकर तू इधर गई, और हम यहाँ डोसा खाते थे, इन्हीं अंकल के पास डोसा खाते थे, शादी से पहले से ही हम यहाँ आते थे। देखो कैसे बनाएंगे अभी। और कितने क्लास में? नाइन्थ में। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास लग रही ना? भाई साफ करो, अंदर भारतीय वासियों आपने डाला। सो उसके बाद हम डोसा वोसा खा के निकल गए हैं गाड़ी में, मैं फिर से साइलेंट हो गई हूँ यहाँ पर, वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। तो डोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मैं शादी से पहले से ही यहाँ पर आती थी। इसका एक छोटा सा मिनी ब्लॉग मैंने अपने इंस्टाग्राम में डाला है, उसकी आईडी मैं यहाँ मैंशन कर दूँगी, तो आप देखना, मैंने सारी चीज़ें बताई है वहाँ पर। तो डोसा खाते थे हम यहाँ पर बहुत पहले से ही, बहुत ही फेमस है ये साउथ इंडियन डोसा, इनके पास ही अच्छा मिलता है और ये अकेले ही हैं जो यहाँ पर डोसा देते हैं, बाकी और कोई नहीं है। और डोसा इतना टेस्टी होता है ना कि आपको बस इसकी चटनी, डोसा खाते ही रह जाओगे, ऐसा डोसा होता है। तो अभी मम्मी को हम छोड़ रहे हैं, मम्मी घर को जाएगी। ठीक है, पहुँच के फ़ोन कर देना, डोनेट ले लिए। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आने वाले और भी व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।